सीरियल का नाम है प्रेम बंधन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रेम नहीं नफरत भी है, और इसी नफरत के कारण आज खेल हो रहा है धमाकेदार, मतलब चांटेदार। ऐसा चांटा पड़ा है कि जिसके गाल पर चांटा पड़ा है ना, वो सात जन्मों तक याद रखेगा। लेकिन किसने किसको क्यों चांटा मारा, ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा जाह्नवी के घर। हम हैं ना आपके साथ। प्रेम बंधन की जानकी के जेठ के गाल पर पड़ा चांटा। जी हाँ, राजेश के गाल पर उसके पापा ने इतना जोर से चांटा मारा, उसका असर ये हुआ कि एक ही सेकंड में राजेश का गुस्सा उतर गया और वो बहुत धीरे से अपने पापा के कान में कुछ कहने लगा। कुछ देर पहले तो वो जानकी पर आरोप लगा रहा था कि उसने जानबूझकर हर्ष को गुम किया है, उसे कहीं छुपाया है या फिर कहीं भगा दिया है, और जानकी पुलिस के पास जाने की बात कर रही थी तो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। अब एक्चुअल में आपसे बदला लेना चाहती है, हमने इससे हर्ष की शादी जो करवाई है, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सारा किया था इसका है। ये चाहती है कि हम बर्बाद हो जाए, हम जेल पहुंच जाए। मार पड़ी वो बातें ऐसे कर रहे थे तो मेरे ससुर जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि माहौल ही ऐसा है, मतलब हर्ष घर से भाग गए हैं और उनको ढूंढने के लिए पूरी फैमिली बहुत परेशान हो रही है, प्लस पुलिस को नहीं बोल सकते, पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि ही सच अ बिग पर्सन, तो बहुत केओस चल रहा है। और उसमें राजेश जी जो मेरे जेठ हैं वो पूरे तरीके से मुझे उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बता रहे, बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी इन दिस मैरिज, तो इस वजह से ये सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाता है एंड देन वो उनको थप्पड़ पड़ जाता है। दरअसल यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हर्ष के पापा कभी अपने बेटे राजेश को चांटा मारते हैं, तो कभी अपनी बहू जो घर से बाहर निकलती है तो उसके लिए भी धमकी भरी बात करते हैं। जानके, जानके। हालांकि घर के छोटे लोग बड़े लोगों को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े लोग कोई बड़ा राज छुपा कर बैठे हैं जो शायद उजागर ना हो, इसीलिए चिंतित हैं। मगर सवाल तो ये है कि आखिर हर्ष गया तो गया किधर? हर्ष चले गए गिफ्ट लाने दरभंगा। ये अलग ही सीन है। इसमें क्या था कि अपनी मेरी जो जिठानी है उनकी फैमिली से, उनके मायके से गिफ्ट आता है हस्बैंड के लिए और फैमिली के लिए। ये बात जब हर्ष जी के सामने होती है तो उनको लगता है कि फिर तो मेरी बीवी के घर से भी गिफ्ट आने चाहिए थे, और इन सारी क्योंकि मेरे घर से ऐसी कोई रस्म हुई नहीं, तो वो गिफ्ट लेने दरभंगा चले गए मेरे घर पे और वो खो जाते हैं, तो पूरा सीन ये चल रहा है अभी। तो जानकी के ससुराल वाले चाहे ना चाहे हर्ष की सच्चाई तो लोगों के सामने आ ही जाएगी, और फिर कहानी में जो कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे ना। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।